बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इन साइकोलॉजी। तो जी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो क्रैक और लोकाने 1973 में प्रेजेंट किया गया था। फोकस ऑन द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इन मेमोरी, फोकस किया गया था जो डेप्थ ऑफ पर्सनैलिटी है वो मेमोरी में इन्वॉल्व होती है, एंड प्रोडिक्ट द डीपर इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड द लॉन्गर अ मेमोरी ट्रेस विल लास्ट। इसमें पेशगोई की गई थी कि डीपर इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरी को ज़्यादा लंबे अरसे तक लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है क्रैक डिफाइन डेप्थ, कि क्रैक ने डेप्थ जो है वो किस तरह डिफाइन किया था। द मीनिंगफुलनेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिमिलर रेदर देन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एनालिसिस परफॉर्म्ड अपॉन इट, ये क्रैक की डेप्थ की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, द आइडियाज दैट वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनकोडिंग इफेक्ट हाउ वेल इट इज़ रिमेंबर्ड, कि किस तरह हम जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। इसमें इस प्रोसेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। द डीपर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, डीपर लेवल जो है प्रोसेसिंग का, द इरेजर द इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉलिंग, ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए। नेक्स्ट है जी थ्री टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, फिनोमिक प्रोसेसिंग और सीमेंटिक प्रोसेसिंग। स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग विच इज़ वैन वी इनकोड ओनली द फिज़िकल क्वालिटी ऑफ समथिंग, इसके अंदर हम फिज़िकल क्वालिटी देखते हैं किसी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल द टाइप फेस ऑफ वर्ड्स आर हाउ टू लेटर लुक्स, के कोई भी लेटर है, कोई भी वर्ड है, वो किस तरह से देखा जा रहा है, उसकी शेप किस तरह से है, हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं। फिनोमिक प्रोसेसिंग विच इज़ वैन वी इनकोड इट साउंड, जब हम किसी चीज़ के साउंड पर तवज्जो देते हैं कि उसको बोला किस तरह जा रहा है, उसको प्रोनाउंस किस तरह किया जा रहा है, तो वहाँ पर यूज़ की जाती है फिनोमिक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिमेंटिक प्रोसेस, विच हैपनिंग वैन वी इनकोड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड रिलेट टू द सिमिलर वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, ये तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी लफ्ज़ को जो हम पढ़ते हैं और उसको हम अपने प्रीवियस जो हमने पढ़े होती हैं चीज़ें उनके साथ रिलेट करते हैं, सिमिलर चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, सिमिलर मीनिंग के साथ रिलेट करते हैं, तब ये प्रोसेस सिमेंटिक प्रोसेस जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डीपर प्रोसेसिंग, डीपर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है हमारी इलेबोरेशन रिहर्सल के लिए, जो कि इन्वॉल्व होती है मोर मीनिंगफुल एनालिसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस हो गई, थिंकिंग हो गई, एसोसिएशंस हो गई, कि किसी चीज़ को हम किस तरह किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व करते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लीड्स टू बेटर रिकॉलिंग, उसकी इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से रिकॉल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गिविंग वर्ड आ मीनिंग, कि हम किसी भी लफ्ज़ को कोई मतलब दे देते हैं, और लिंकिंग देम विद द प्रीवियस नॉलेज, और हम उसको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ जो है वो लिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्टडी के बारे में जो कि क्रैक और टोलविंग ने 1973 में प्रेजेंट की थी, जिनमें उनका एम जो था टू इन्वेस्टिगेट हाउ डीप एंड शैलो प्रोसेसिंग इफेक्ट्स मेमोरी रिकॉलिंग, कि किस तरह डीप और शैलो प्रोसेस जो हैं वो हमारी मेमोरी रिकॉलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। और इस रिसर्च का मेथड कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर पार्टिसिपेंट जो थे वो प्रेजेंट की गई थी, उनको एक 60 वर्ड की एक सीरीज़ प्रेजेंट की गई थी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस के आंसर्स थे। सम क्वेश्चंस रिक्वायर्ड द पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोसेस द वर्ड आर डीपर वे एंड द अदर शैलो वे, स्ट्रक्चर एंड फोनेमिक जो प्रोसेस है उसके थ्रू, जो एक पार्टिसिपेंट इनके अंदर शामिल किए गए थे उन के लिए भी क्वेश्चंस थे कि वो इस प्रोसेस के अंदर अपने क्वेश्चंस का जो है वो आंसर जो है वो डीपर वे में भी दे सकते हैं और शैलो वे में भी, लाइक स्ट्रक्चर और फिनोमिक प्रोसेस के थ्रू भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग और विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर इन दिस वर्ड इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। फिनोमिक एंड एडिटरी प्रोसेसिंग डज द वर्ड्स रिदम विद, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ये साउंड पर बेस करते हैं कि किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। फिनोमिक के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, सिमेटिक प्रोसेस के अंदर कि हम जो चीज़ बोल रहे होते हैं, जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, हम उसको अपने प्रीवियस जो लेसन होता है उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं उन वर्ड को। गोज द वर्ड गो इन द सेंटेंसेस, पार्टिसिपेंट वेयर देन गिव अ लॉन्ग लिस्ट इन
180 वर्ड इन विच द ओरिजिनल वर्ड हैव बीन मिक्सड। पार्टिसिपेंट ने जो बहुत लंबी लिस्ट प्रेजेंट कर दी थी जिसके अंदर जो है वो ओरिजिनल वर्ड्स जो थे वो मिक्स हो गए थे। देवर आस्ट टू पिक आउट द ओरिजिनल वर्ड और उन्हें कहा गया था कि इनके अंदर से ओरिजिनल वर्ड जो है वो पिक करेंगे। इस रिसर्च का जो कंक्लूजन निकला था वो ये था कि द सेमेटिकली प्रोसेस इन्वॉल्वड एलेबोरेट रिहर्सल। जो वर्ड्स थे वो एलेबोरेट होना शुरू हो गए थे और डीपर प्रोसेसिंग विच रिजल्ट आर मोर एक्यूरेट रिकॉलिंग। और डीपर प्रोसेस का जो रिजल्ट निकला था कि मोर एक्यूरेट है किसी भी चीज़ को रिकॉल करने के लिए। फिनोमिक एंड वियल प्रोसेस वर्ड्स इन्वॉल्व शैलो प्रोसेसिंग और लेस एक्यूरेट वर्ड। फिनोमिक जो है वो शैलो प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है और उसके अंदर रिकॉलिंग का जो एक्यूरेट रिकॉलिंग जो है वो लेस पाई जाती है रेदर देन द डीपर प्रोसेस। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।